우리 변하지 않기 때문에 फोटो हो गए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए, मैं बच गई हूँ। देखो मैंने अभी तक वही कपड़े पहने। सबसे पहले मैंने इन दोनों को कर लिया तैयार मीटअप के लिए। ये भी रेडी हो गई है। आये तैयबा को आज मैं ये पहनने वाली हूँ, पर्पल कलर की फ्रॉक। कल मैंने लाइट पर्पल पहना होता ना, आज ये डार्क पर्पल हो गया। स्लीव्स देखो, ये इतनी बड़ी स्लीव्स हैं, ये चुनट वाली हैं। जब पहनूंगी ना तभी सही पता चलेगा। और बाकी ये साथ में हो गया, इसका दुपट्टा हो गया और ये फ्रॉक हो गई। मैं देखो फ्रॉक के एंड में नीचे इस तरह की चुनट भी है, तो पूरा पहन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो जल्दी जल्दी में मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिए और मेकअप अभी करना है। मेकअप करके बाकी बच्चों को रेडी करके मैंने अभी रूम से बाहर निकाला, इतना शोर कर रहे थे, निकलना भी है। तो चलो मेकअप करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इसकी स्लीव्स कितनी प्यारी लग रही है ना, चूड़ी वाली। ये देखो, इस वजह से इतनी ज्यादा लंबी थी। आप इधर ही हो, पापा आपके बाहर गए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं। तो बस थोड़ी देर ऊपर गई थी तस्वीरें खिंचवाने की, वहाँ पे मुझे पता टाइम मिलता है नहीं मिलता, और बस चलते हैं। अभी मैंने 2 बजे का टाइम दिया था और 2:30 बजे, 2:30 से 3 बजे का टाइम है। मुझे ये था कि जैसे वहाँ पर टाइम सबको दूंगी ना, 2 बजे का सबको आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 3 तो बज ही जाएंगे आने आते आते। देखो कुछ पहुँचे या नहीं पहुँचे, अब चल कर देखते हैं। और आज है गाइस हमारा पहला मीटअप, 2-3 साल चैनल को हो रहे हैं और आज मैंने पहला मीटअप अपना रखा है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं पहला मीटअप हमारा कैसा रहता है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा सब बेहतरी होगी, सब अच्छा होगा, सब अच्छे से करेंगे और सबसे मिलेंगे। बच्चों हो लिया, जल्दी आओ जल्दी, बारिश होने वाली है। तो मौसम इतना प्यारा हुआ हुआ है ना, धूप नहीं निकली आज ठंडा। मैं रोज कह रही थी कि कराची में गर्मी है गर्मी है, आज मौसम भी ठंडा हो रहा है। चलो यहाँ पर अभी हमें फोन आया हॉल से कि आपके जो सब्सक्राइबर है काफी लोग जो है ना जमा हो गए, आप कहाँ पर हो? तो देखो हम भी रास्ते में पहुंचने वाले में। बारिश की वजह से मौसम अच्छा हो रहा है। अच्छा जब मैं बाइक पे आती थी ना, ये वाली जगह का ज्यादा शूट करती थी, क्योंकि यहाँ से ना ब्रिज से जैसे नीचे जाओ ना, यहाँ पे से बड़ी बड़ी लाइन से बिल्डिंग है ना, बहुत खूबसूरत व्यू आता है कराची का। दिल्ली कॉलोनी है ना ये, राइट साइड पे। हाँ राइट साइड पे दिल्ली कॉलोनी। देखो कितना प्यारा लग रहा, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और गाइस कराची की बसें चेक करो, कैसी चमक धमक वाली बसें हैं। ओ गाइस दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो रही है, मैं पहली बार पब्लिक में जा रही हूँ। हाँ एक मिनट वेट करो। ये लो आप बच्चों को ना, बच्चों को भाई मैं बाबर वालों को सबको फोन कर रही हूँ, पता नहीं वो सब कहाँ रह गए। देखो सबसे पहले तो बाहर यहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया था। देखो पुलिस भी आ गई और मुझे लगता है ये रियाज भाई भी हैं साथ में ना, भाई भी आ गए। पुलिस जेल में डाल देगी? हाँ, मुझे क्यों डालेगी? आपने तो अच्छे काम किए। हाँ गाइस मैं अभी बैठी हूँ, गाड़ी वैसे नहीं निकल रही, वैसे ऊपर है, काफी लोग दिखे तो है मुझे, कुछ ना कुछ जमा हुआ। अभी ऊपर जाओ देखो तो कितना आवाम जमा है, ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। मैं आपके लोग देखता हूँ, कैसे हो? ठीक हूँ। आज पता था मीटअप है? जी मैं आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। अच्छा वो कुर्सियाँ कम पड़ गई हैं। कम पड़ गई हैं, लोग ज्यादा हो गए जी। बाबर भाई भी हैं। बाबर भाई भी, उसको बुलाओ जरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो जी? आप सुनाएं, आप ऊपर नहीं गए? नहीं अभी आए। अच्छा बस चले, मैं भी आ रही हूँ। यहाँ पर आप सब ने इतना प्यार दिए, ओ मैं तो देख के हैरान हूँ। इतने सारे, मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने कहा मेरे सारे, मुझे ये था कि ना कराची में इतने हैं, पता नहीं मुझे ये आइडिया नहीं था कि कराची में इतने सब्सक्राइबर है। और एंड टाइम पे मैंने अनाउंस किया, एक दिन पहले ही मैंने बोला है, और ये नहीं है कि 8-10 दिन पहले बोलो तो चलो सब आराम से इजी होकर आते हैं। कैसे हो? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। कैसे हो बेबी? आप फैमिली के साथ आई हैं? जी जी, फैमिली मेरी ऊपर ही चीज दिलाने जा रही थी। अच्छा अच्छा, बस मैं आ रही हूँ अभी। और बाबर भाई गाँव ऊपर फुल्ले फुल हो गया, बैठने की जगह नहीं है कसम से। सच में? हाँ मैं तो गया, मेरे पसीने देख रहे हो सबसे मिल मिल के, मैं तो अलग पतली हो गई। ऊपर जगह नहीं है, जल्दी आ जाओ नहीं तो तुम्हारी जगह भी नहीं बचेगी। वो देखो और कुर्सियाँ लेकर जा रहे हैं, अभी तो लोग आएंगे ना ऊपर फुल्ले सारा। फिर क्या, जैसे बस आ जाओ जल्दी करो, पानी वानी पी लो, ऊपर सांस नहीं मिलेगी, सब तुम्हारे ऊपर कैमरे कर लेंगे। और जो ना मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं कब से ये देख रही हूँ हालत। कैमरा कौन पकड़ेगा? मैं पकड़ लेता हूँ, आ जाओ। पकड़ोगे? हाँ कैमरा पकड़ लेता हूँ। हाँ। और ऊपर आ जाओ, उनको बोलते हैं गाने बंद करते, गाने लगे हो ना। अच्छा। तो लेकिन तुम्हें जो ना पानी पीना है, पानी पी लो, ऊपर तुम्हें सांस नहीं मिलने वाली। मैं तो हैरान हूँ कि भाई इतना सारा बुरा समंदर है माशाल्लाह। अच्छा बच्चों का ख्याल करना क्योंकि इतना रश है कोई पता नहीं चलेगा। नहीं, फिर मैंने तो अपनी वाइफ वाले को बिठा दिया है, बच्चे सारे उनके हवाले कर दिए मैंने, सब घेर लेंगे। चलो आ जाओ। चलो
तो अभी हम जैसे ही नीचे उतरे, अभी फिलहाल तो यहाँ से ही लाइन शुरू हो गई, सब इधर जो आ रहे थे ना अभी वो ऊपर भी नहीं जा रहे, इधर ही रुक गए। चलो बाहर भी वैसे है सिक्योरिटी, लेकिन इनके साथ हम अंदर जाएंगे। चलो दो पुलिस वाले साथ में जाएंगे, बाकी अंदर भी है और बाहर भी हर तरफ है, तो सिक्योरिटी पूरी है। अभी जो है हम लोग अंदर। जी 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 ठीक है ठीक। और भी यहाँ पर देखें सारे जो ना सितारा के जना मिलने चले, लेकिन ऊपर बहुत कुछ है यार। क्या हुआ? अच्छा आ जाओ ऊपर आ जाओ। लिखा वेलकम टू मीटअप सितारा यासिन, अंदर ये सीन है। और अभी जो ना सितारा यासिन आने वाली है। वेलकम टू मीटअप इन कराची सितारा यासिन यूट्यूब 1 मिलियन। सो गाइस अंदर ये सीन है और अभी सितारा अंदर इंटर होने वाली है और देखते हैं क्या सीन होता है। आ जाए माशाल्लाह, थैंक यू। ओ माशाल्लाह सितारा, वालेकुम सलाम, सबको सलाम हो गया। और गाइस अभी गेट पे ही सितारा जो ना पूरी वो हो गई, मतलब के यहाँ पर ही फंस गई गेट में, अभी एंट्री कैसे करेंगी। और ये देखें इतनी आवाम है माशाल्लाह से, ये सितारा यासिन का ही व्लॉग बन रहा है यहाँ पर। जी जी वालेकुम असलम। जी जी नहीं नहीं बुरी बात। सो गाइस अभी एंट्री बंद हो चुकी है इसकी, लेकिन अभी इंटर हो जाना क्योंकि फ्रंट पे वो जाके बैठती। भाई या इसको थोड़ी सी जगह देते हैं, थोड़ी अंदर इंटर हो जाए ना, फिर जो है ना वो सारे मिल जाए सको से। तारा ने यहाँ पे आना है, यहाँ तक आते हुए देखते हैं कितना टाइम लगता है उस ऐसा ही है। ये देख ले माशा से कितना रश पड़ गया था। अरे भाई सितारा कहाँ गायब हो गई? कहाँ है भाई? आ गई शुक्र। आ जाओ भाई, आ जाओ ठीक है जी इंशाल्लाह, आ जाओ चलें भाई। शुक्र है यहाँ तक अभी पहुँच गई है। तो ये अच्छा है कि सबके साथ ना खुश हंस मिल के ना वीडियो बना रही है सबसे, देखो सबको मौका मिल रहा है। आ जाओ जी ठीक है भाई। भाई ये सारे सितारा की ऑडियंस सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चल भाई आ जाए सितारा, ये हमारी तरफ से, ये आपके कैमरामैन की तरफ से। हाँ ये हमारी तरफ से चले। हाँ सितारा यासिन जो ना यहाँ पर ये सारा इसका ना लोगो बनाया गया था। खैर यहाँ जहाँ तक मुझे दिख रहा है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। ये सितारा का गिफ्ट है, क्या नाम है? आमना के नाम से। ठीक है जी ये यहाँ पे मरा देता हूँ। चले अभी तो ये सारी आवाम, ये आयत की तैबा की फ्रेंड है। यहाँ पर हालात जो ना ख़राब हो गए हैं हमारे। बैठ को इंसाना क्या बोलते हैं, ये सितारा कई भी लोग हैं। यार जिसने मिल लिया ना वो थोड़ा पीछे जाता कि दूसरों को भी मौका दे रहे, सब अभी नाराज हो रहे हैं। मैं गाइस कोशिश कर रहा हूँ हैंडल करने के लिए कि मुझसे भी नहीं हो रहा। जी जी अरे हाँ भाई ये सितारा क्या है? ठीक नाम क्या है आपका? ठीक है भाई ठीक है भाई, ये सितारा के लिए गिफ्ट है। सितारा ये रख ले
यहाँ पर बहुत सारे मसले बने हुए, लेकिन कोई जाने जो एक बार आ रहे ना जा ही नहीं रहा। दो जता भाई वो खड़े हुए हैं वो रहे वो खुद कुछ नहीं बोले, कब से बोले थक गए वो। नहीं गाइस आवाम यहाँ पर इतना ज़्यादा हो चुकी है कि कोई भी बैठने को तैयार नहीं है और सब स्टेज पर आ गए। मेरी बहन सितारा से इतना प्यार है कि देखें कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं मेरी बहन सितारा से मिलने के लिए, और टेबल भी फ्लावर से भर चुका है और बाबर भाई भी यहाँ पर मसरूफ है। क्या हुआ आप तो 50 बंदे की लिमिट लगा के आए थे। और रश इतना ज्यादा है कि मैंने आयत को शोल्डर के ऊपर उठाया। इतना दूर दूर से लोग बहुत ये मेरे ख्याल से अब इस तरह को मिले आमनाज रिएक्शन और बाकी इतनी चले। अभी ये सब कुछ रह के करके मिल रही है अभी। और वकार भाई और फातिमा भी आ गए, मांटी वाले अभी आए हैं, अभी उनको नहीं पता कितना रश पड़ा हुआ है। जी जी भाई कहाँ थे कब से तुम लोग? बेटा इधर हम लोग फंसे। सितारा वो बोल रहे पीछे आ जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, देख रहे हो कहाँ थे तुम लोग? मैं सितारा के बना रहा हूँ। यहाँ पर सितारा को जना है कांग्रेचुलेशन का जना ये पहनाया गया है और मैं काफी और ये सितारा माशाल्लाह देखे कितना प्यारा बना हुआ है, वो सितारा जल भी रहा है यहाँ पे तो। चले भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और गाइस हम सब फंस गए हैं और इन्होंने मिलना था, ये सितारा का ही व्लॉग है, आप नहीं भी मिली तो इसमें मैंने डाल दिया उसको। मैडम मैडम थोड़ा सा सितारा मैडम सितारा इनसे मिल रही है, काफी देर से आपका वेट कर रही है। जी 6 बजे तक टाइम है, 6 बजे तक टाइम है। लोकेशन यही है बच्चा पार्टी के आगे गुलिस्तान वो है, लेकिन 6 बजे तक टाइम है हमारे पास। गुलिस्तान जो है ना गुलिस्तान हॉल है, ये सितारा का भी लोग ही उसके अंदर ये आ गई है। ठीक है गाइस ये सारे इन सारे बच्चों को आप डाल दीजिए। जी आ गई है, ये आ गई सितारा का भी लोग है। आ जाओ भाई यहाँ पर जो ना सारे लोग मतलब आ जाओ बैठ जाओ, टाइम थोड़ा केक काटना हम सब ने। हाँ ये ले लिया, चले चले ये दे दो। अभी आप बैठ जाएं। तैबा आयत हमजा किसकी तरफ से? अच्छा चले जो भी दे। ये एक मिनट सितारा जी जी आप देना यहाँ से जबरदस्ती घुस जाएं, बस यही हो सकता है और कोई हाल नहीं है भाई। आ जाए आप भी आ जाए, क्या नाम था? जैन। ठीक है जिन्हें अभी तक नहीं मिल पाई है सितारा को, नाम क्या है? हिदा हिबा 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 ठीक है, अभी हिबा नहीं मिल पाए लेकिन कोशिश करते हैं कि आप मिल जाए वहाँ पर। चले और भाई कहाँ गए सितारा? मेरा नाम रेहान है और मैं बिग फैन हूँ सितारा यार। ये भी लोग ठीक है, ये भी फैन है भाई, इधर सारे जितने लोग बैठे हुए हैं ये भी सारे सितारा के ही फैन है। ठीक हो गया ठीक, चले भी सुमैया का गिफ्ट आ गया मेरे पास। ठीक है ऐसा जी जी सितारा को यहाँ पर गिफ्ट दिया जा रहा है, मैं जो यहाँ पर बिजी हो गया हूँ उसका व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँ प्रॉपर से, क्योंकि मैं पीछे चला गया। हम लोग नीचे की तरफ चल रहे हैं। आप हैदराबाद से? हैदराबाद से? अच्छा जमा शुरू भाई, आराम आराम से आप इधर साइड पर आ जाइए, अभी धक्का रहेगा ना थोड़ा। जी जैसा ठीक ठीक। मेरा नाम मीना है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। खदीजा नाम है आपका? नाम मेरा नाम है कबीता का कार्टस व्लॉग। सितारा ने स्पेशली मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, अभी भी उनको याद है, मिली है मुझे। चले चले मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये व्लॉग तो नहीं कहीं बन रहे हैं। ठीक ठीक है जी, सितारा के फैंस हैं और ये जो ना यहाँ पर अभी उसको मिलने के लिए आए हुए हैं। ठीक है भाई, और ये जो ना यहाँ पर फंसे हुए हैं।
अच्छा अच्छा आज भाई भी आए हुए और यार सर कैसे सर ठीक है चले ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए ठीक है छुरी मंगाए छुरी चाकू चाकू से केक कट नहीं हो सकता मेरे पास छुरी आगे बोलो आवाज आ रही है निकल गया लगता है पीछे से रामीन ये सितारा का व्लॉग है उसी में देख लीजिएगा जी जी ठीक है इसका नाम क्या है इब्राहिम अली लेकिन तो ये सितारा का व्लॉग बन रहा है उसके अंदर आ जाएंगे ठीक है ठीक हाँ चले अभी जरा सितारा यहाँ पर बैठ गई है क्योंकि थक गई है गाइस ये भी ऊपर आ गई है हां भाई मैं सुबह से सितारा का व्लॉग बनाने मरने वाला हूं कुछ लोग जा चुके हैं काफी लोग मिल के जा चुके हैं आधे लोग जा चुके हैं आधे फिर से अभी भी हैं हमारा आज का मीटअप और मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा लगा सबसे मिलकर थैंक यू सो मच आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पर आप सब आए सितारा ने पुकारा कराची वालों कराची वाले आ गए कराची वालों आमीन और बहुत शुक्रिया कराची में हम सब के लिए ये सेटअप जी थैंक यू साजिद भाई का बहुत बहुत ठीक हो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कल व्लॉग में देखना ठीक है सारा से फिर पिक्चर में मुझे मिलने के लिए देखिए जवाहर आई बहुत अच्छा लगा जवाहर आपसे मिलने के आप आइए मुझे पता नहीं था कि आप दूर है ना यहाँ से थैंक यू सो मच जवाहर आपका ये तो आज हाउस फुल था आप सब देख रहे थे आज हाउस फुल था और अगर ये नॉर्मली संडे का दिन होता है आप सब खुश हो जाएं कि आज आपकी हर्बल अजीज ड्यूटी पर आपके साथ है सितारा यासीन ये सितारक है मैंने अपना जेब में रखा हुआ है संडे होता है तो शायद यहाँ पब्लिक इनको बाहर निकलने नहीं देती सिक्योरिटी होगी नहीं होगी हमें धक्के लगेंगे ये ज्यादा कमेंट नहीं कि सिक्योरिटी होनी जरूरी है ये था कि मैं तो जा ही नहीं सकूंगी लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा इंतजाम था बहुत अच्छा अरेंजमेंट था बस लव्स नहीं है मेरे पास आप लोगों ने बहुत जोर लगाया यहाँ पर जी जी मिल गया था काला कि आप सबको लेकर आई हैं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतने रश में भी आपने इंतजार किया एंड तक थैंक यू काला एक बंदा आप लोगों में से गए थे कहाँ है अच्छा अच्छा हाँ आप होगी ना चलो चलो ठीक सब बहुत प्यारे लग रहे हैं जी बहुत शुक्रिया नहीं आप सबका बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पर हैं आपका सर बहुत शुक्रिया सिक्योरिटी इनकी तरफ से थी पूरी
अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं? आपने तो सरप्राइज दे दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले गाड़ी में बैठ गई थी, मेरा सर दुख रहा था। मीटअप रखा करे ना, क्यों नहीं रखती? अलीशा बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए अभी जो है ना रश थोड़ा कम हुआ है, और इनका तो थैंक यू करना जरूर पहले बनता है, रियाज भाई का और इन दोनों भाइयों का। क्या नाम है आपका? सादिर हुसैन। और आपका? असद और सागर हुसैन। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ज़्यादा क्राउड था, इन दोनों ने वहाँ पर साथ साथ मेरे रहे हैं भाई दोनों, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और ये सब कुछ अरेंज करने में हमारे साथ रियाज भाई थे, रियाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये कितने डाले लेकर आए थे पुलिस के? दो लाए। दो लाए थे, एक चला गया। अच्छा चला गया। बाहर भी माशाल्लाह सिक्योरिटी पूरी थी, मैंने किया और अंदर बाहर भी और अंदर भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखें टाइम पर। अच्छा अता भाई आप अभी आए हैं? नहीं मैं तो नहीं, मैंने देख लिया था, देख लिया था। कदीर भाई आप फैमिली के साथ नहीं आए? फैमिली बस आज आपको पता है बिजी। हाँ बिल्कुल ठीक ही है। और यहाँ पर ये फैमिली जा रही है, हमारे साथ जा रही है, मिस्टर बीन जा रहा है। और ये देखे ये आप लोग अभी आ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, अभी बस आए, देखा फंक्शन खत्म हो गया फिर जा भी रहे हो। चलो ये तो अच्छा किया है, बहुत ज्यादा रश था और खतरा है बहुत ज्यादा बच्चों के लिए, अच्छा नहीं था। ठीक हो? ठीक अल्लाह। और अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी घर चलते हैं, प्लान करते हैं ना खाने का। चलो ठीक है, आप अपनी गाड़ी लेके चलो, फिर हम आ रहे हैं। ठीक है चलिए अभी चलते हैं, बाय बाय करते हैं, अल्लाह हाफिज करते हैं, जा रही है। बाय बाय इमन, बाय बाय, बाय बाय। गाइस देखो रास्ता पूरा जाम कर दिया, ये एंड तक बहुत ज्यादा रश है ये गाड़ियों। अभी देखो हम थक हार के आए हैं वापस अपने गेस्ट हाउस पे। इसके अलावा ये सारे कुछ गिफ्ट थे, फूल तो बहुत सारे थे और कुछ गिफ्ट भी थे। अभी पता नहीं ये देखने पड़ेंगे किस किस की तरफ से गिफ्ट है। बस मैं यहाँ पर आई थी गाड़ी में से के खाना निकालूं और केक निकालूं, खाना खराब ना हो जाए, और बाकी जिस जिस की तरफ से भी गिफ्ट है वो बाद में फिर सारी अनबॉक्सिंग। जो मिठाई है या खाना है ना, वो मैंने कहा गाड़ी से निकालू, मैं थोड़ी देर गई थी अंदर, 10-15 मिनट मैंने रेस्ट की है, और सबको खाना भी मैंने खिलाना है, सारे अंदर ही बैठे हुए रूम में। पहले ये बिरयानी बनाकर लाई है मेरे लिए स्पेशली अरुसा इन द किचन की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशन सितारा यासीन फ्रॉम आमना रिएक्शन, थैंक यू सो मच। गिफ्ट है तो फिर रख देते हैं, मैं बाद में खोलूंगी। मैं हुई ना रिव्यू तो मैं आपको बाद में दूंगी, इन सारी जो भी हुआ है मेरा मीटअप कैसा है वो सब फिर मैं आपको बाद में सुकून से बैठ के बताऊंगी। थैंक यू सो मच आमना कि आप आई। मेरे सब्सक्राइबर जैसे मिलने के लिए उन्होंने मुझे मिठाई दी, ये भी पैक हुआ हुआ सारा, तो इसको भी खोलते हैं। चलो ये खाने की चीज़ अंदर ले चलते हैं ना, अभी खाने का मेरे ख्याल से। ये केक है क्या? हाँ ये केक है, केक इस पर लिखा हुआ है सितारा यासीन 1,000,000, थैंक यू सो मच। अरे वही खोल रहा हूँ ये देखो। अच्छा ये हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से है, गुजराती खोपरा पाक, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। करूँ ऐसा हमें देखने को कभी नहीं मिला हमें भाई। ये तो मुझे पूरा दे दो, मैं पूरा खा जाऊंगा। ये बहुत मजे का है शायद भाई, ये दे दो यार मुझे, दे दो। कुछ सोने जैसा लग रहा है, सोने हलवे से बढ़ के यार, सोने हलवे से ज्यादा मजे का भाई। जिसने भी दिया ना माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, पहली बार कोई अच्छी चीज मिली, बहुत मजे का लगा। आमना ज़ैबा की तरफ से सितारा जी, आमना ज़ैबा की तरफ से सितारा जी, सितारा जी को ये गिफ्ट मिला, बेस्ट विशेस दिए, बेस्ट विशेस दी। तो चलो अभी जो है ना सब सो चुके हैं, अब मैं भी फ्री बैठी हूँ, देखो कोई शोर नहीं है, बच्चों को भी सुला लिया, मैं भी फ्री हो गई हूँ, और अभी अपना व्लॉग एंड करते हैं और बाकी रिव्यू भी देती हूँ कि आज कैसा रहा हमारा पहला मीटअप। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, और मैं कसम से सच में मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ। मुझे पता है कि मैं जिस तरीके से एक क्रेज़ होता है, जिस तरीके से कमेंट होते हैं, जिस तरीके से लाइव चलती थी मेरे लिए, जिस तरीके से आप सबका प्यार मेरे इंस्टा पर, मेरे यूट्यूब पे इधर उधर कमेंट आते रहते हैं, और जिस तरीके से आप सब प्यार देते हो, एक दिन व्लॉग ना आए और जितना मेरा इंस्टाग्राम भरा होता है, जितना मेरी पिछली वीडियोस होती हैं उस पे कमेंट होते हैं, वो एक आइडिया था कि आप सब सच में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और इसके साथ साथ जैसे मैं कहीं पर भी बाहर निकलती हूँ वहाँ पर मुझे हर एक जगह पर आप सब मिलते हो, सेल्फी लेते हो, अब एक फीडबैक मुझे आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ मिलता रहता है कि सच में मुझे आप सब कितना एक दिल से सपोर्ट कर रहे हो, दिल से प्यार देते हो और मेरे साथ दिल से कनेक्ट हो आप। जैसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेरी पाकिस्तान में मतलब 40% है, 40 बाकी सारे बाहर के कंट्री के, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि 45% भी पता नहीं कहाँ कहाँ से सिटी से है, तो इतना नहीं होगा, क्योंकि अगर कि मैं इंडिया में होती, इंडिया में रखती, तो मुझे आइडिया है कि वहाँ पर 50 से ऊपर है मेरे, 50% से ऊपर है, कभी 65% शो होता है, कभी 60
कभी 70% शो हो रहा था कि आपको इंडिया से इतना ज़्यादा वॉच किया जा रहा है, तो मतलब इस तरह से कि कुछ परसेंट दुबई से हैं, तो बाकी सारे कोई 10-15% ऐसे बाकी कहीं ना कहीं से आ रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान में 40-45% या कभी 35% आ रहा होता है, तो वहाँ पे जैसा इंडिया में है ना वो 60-65% इंडिया में शो हो, इंडिया का शो हो रही होती है ऑडियंस के, वहाँ से आपको इतना सब देख रहे हैं। इस वजह से मेरे दिमाग में ना इतना कुछ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे ये था कि ना होंगे 100 के अंदर अंदर, पता नहीं 60 आए 50 आए, वो भी मैं सोच रही थी कि अंदाज़ा हो सकता है इससे भी कम हो, कि यहाँ पे ना इतना नहीं होंगे। चलो अगर 40% पाकिस्तान में मुझे देखने के लिए हैं भी लोग, तो सिर्फ कराची में तो नहीं है ना, पूरे सिटी में पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं, एकदम कराची से नहीं सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और दूसरी बात ये थी कि मैंने बोला भी एक दिन पहले, संडे को बोला और बीच में सिर्फ एक मंडे का टाइम था, सड़क कराची की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, हर कोई काम, हर कोई जॉब वाला, किसी के बच्चों के ट्यूशन का टाइम, किसी का क्या, तो और टाइमिंग जो हमें हाल की मिली थी ना वो दोपहर की मिली थी, हमें शाम की टाइमिंग नहीं मिल रही थी क्योंकि आगे बुकिंग चल रही थी और मुझे फिर यहाँ से जाना भी था, एंड टाइम पर सारा कुछ ये हुआ है, उस हिसाब से भी थोड़ा लग रहा था, और बाकी वर्किंग डेज थे, जैसा वीकेंड का कोई दिन नहीं था, उस हिसाब से ये सारा कुछ एक्सपेक्ट नहीं था बिल्कुल भी। इतना ज़्यादा आप सबने मुझे प्यार दिया, तो वहाँ पर गई ना तो सबके ऐसे कैमरा और इतना ज़्यादा क्राउड मैंने देखा ना, तो मेरी आँख में ऐसे आंसू आने वाले थे, मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किए। मैंने अपनी लाइफ में भी ये जगह नहीं सोची थी कि एक जो मेरा पहला टाइम था, उस टाइम के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आगे इस मकाम तक पहुंचूंगी, या फिर जैसे आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा, मैं अपने पुराने घर के पास वहां तक गई हुई थी, वहां से यहां तक का सफ़र, और अल्लाह पाक हाथ भी थामता गया, कामयाबी भी देता गया, पीछे खींचने के लिए भी बहुत कुछ थे, फिर अपने भी पीछे लग गए, तो पीछे लगते लगते फिर शरेआम सामने आ गए। हर इंसान के बर्दाश्त की बात नहीं है, नाकाबिले ये सब बर्दाश्त है, मुझे पिछली बातों को याद नहीं करना। उन सारी चीज़ों को देख के ना मतलब मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा एक सरप्राइज था, सब सरप्राइज था, सब कुछ आप सबका प्यार मेरे लिए सरप्राइज है। समझती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जो मुझे पब्लिक मिली है ना वो एक गॉड गिफ्ट है, और थोड़ा थोड़ा टाइम मैंने सबको दिया, अगर कोई रह गया हो तो मैं दिल से माजरत करती हूँ। सारे गिफ्ट है ना, इनकी अनबॉक्सिंग हम बाद में करेंगे, आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मैं रेस्ट करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू सो मच। दिल खुश हो गया, आप सब ने दिल खुश कर दिए, तो चलो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।